और फ्रेंड्स देखिए अम्मी ये चिड़िया के लोगों को क्या खिला रही हो, क्या खिला रही हो? चावल। आज बादल है ना अम्मी? हाँ, सुबह से। और देखो वो भैंस कैसे खा रही है। शुक्र है जानवरों को बीमारी नहीं आई। क्यों बंद कर लिया, इतना अच्छा मौसम है। कड़ल के लिए ना। हाँ, ये भी सो गया। कटर के लिए एसी चलानी पड़ती है फ्रेंड्स, इसलिए हम बाहर का वो खोल के नहीं रख रहे हैं, इसको आराम से सोना है। और रिजा क्या कर रही हो? तस्वीर कर रही है। ठीक है। हाय फ्रेंड्स, तो अभी हो गया नेक्स्ट डे और ये ब्लॉग कंटिन्यू है। जैसे मैंने कहा था ये कंटिन्यू रहेगा, जो भी आज दिन भर में होगा मैं जो भी कुकिंग करूंगी वो भी आपको दिखाऊंगी। आपने कहा डेली ब्लॉग करो, तो अब जहां से शुरू होगा जहां से खत्म होगा मैं वहीं डाल दूंगी, आप लोग समझ जाना। वैसे मैं टाइमिंग मेंशन कर दी जाऊंगी, बहुत सारे लोगों ने कहा कि टाइमिंग भी बताइए, तो मैं टाइमिंग भी बताऊंगी। तो अभी बस मैं नमाज पढ़ने जा रही थी, मैंने शावर ले लिया, मेरे फेस पे कुछ नहीं लगा है, तो मैं लगाऊंगी सनस्क्रीन, क्योंकि मैंने आपसे हमेशा कहा है कि आप घर पे भी है तो भी आप सनस्क्रीन जरूर लगाएं। तो फ्रेंड्स मैं लगा ये वाव स्किन साइंस की सनस्क्रीन फ्रेंड्स, ये है डेली ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूवीए एंड यूवीबी प्रोटेक्शन। और फ्रेंड्स सबसे अच्छी बात ये है कि ये मैट फिनिश में है और फ्रेंड्स ये एसपीएफ 35 PA++ है। तो जैसे कि अभी मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं जा रही हूँ तो मेरे लिए एसपीएफ 35 इनफ है, लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हैं, आप ज्यादा देर तक बाहर रहेंगे, तो फिर आपको इससे ज्यादा एसपीएफ वाली लगानी है, जो की है ये। तो फ्रेंड्स ये वाव की एसपीएफ 55 PA++++ भी आती है, तो अगर आप ज्यादा देर तक बाहर जा रहे हैं तो फिर आपको ये अप्लाई करनी है। अभी हम लोग जैसे घर पे हैं तो मैं ये वाली अप्लाई करती हूँ। फ्रेंड्स इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत अच्छे हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये सनस्क्रीन ना फ्रेंड्स हमको यूवीए यूवीबी रेज से प्रोटेक्ट करेगी, और फ्रेंड्स जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जो हमारे स्किन को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं उससे प्रोटेक्ट करेगी, पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करेगी, और धूप से तो बचाएगी, जिससे हमारे स्किन पे सनबर्न नहीं होगा। और फ्रेंड्स जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ज्यादा रिच है विटामिन ए में, विटामिन सी में, विटामिन ई में। मैं आपको बताती हूँ उसमें कितने अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि फ्रेंड्स रेस्पबेरी एक्सट्रैक्ट है, कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट है, एवोकाडो ऑयल है और विटामिन ई है। ये बहुत ही अच्छे होते हैं हमारे स्किन के लिए। ये सनस्क्रीन हमारे स्किन को आउटडोर भी इंडोर भी एक स्टैंडर्ड सा कवरेज देगी, क्योंकि इसमें एसपीएफ 35 है। ये हमें सन डैमेज से तो प्रोटेक्ट करेगी, साथ साथ हमें हार्मफुल केमिकल से भी बचाएगी, क्योंकि इसमें बेंजोफेनॉन ऐड नहीं किया और ना ही ऑक्साइड कलर ऐड किया है। फ्रेंड्स ये बिल्कुल लाइट वेट है, नॉन ग्रीसी है, स्किन पे अच्छे से स्प्रेड हो जाती है और हमारे पोर्स को क्लॉग भी नहीं करेगी, और साथ साथ हमारे स्किन पे एक अच्छी सी शील्ड बना देगी जिससे हमारी स्किन प्रोटेक्ट रहेगी। और ये जो सनस्क्रीन है वो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है। और फ्रेंड्स आपको तो पता ही है कि वाव के सारे ही प्रोडक्ट्स जो है वो पैराबेन फ्री, सिलिकॉन और मिनरल ऑयल फ्री होते हैं, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं होता है। और फ्रेंड्स वाव की सबसे अच्छी बात ये है कि इनके सारे ही प्रोडक्ट्स इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होते हैं। और एक और बात फ्रेंड्स इनकी बहुत अच्छी है, इनके सारे ही प्रोडक्ट में ना ये क्यूआर कोड दिया रहता है, तो आप इसे कोई भी स्कैनर से स्कैन करके प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं। साथ साथ फ्रेंड्स इनकी एक ऐप भी है जिसका नाम है buywow.in, वहां पे जाके आप सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल चेक कर सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट्स है ना फ्रेंड्स ये आपको मिल जाएंगे buywow पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे और नायका पे। अगर आप buywow.in पे जाके परचेज करते हो तो मेरा कोड यूज कीजिए जो कि है सबा इब्राहिम, तो आपको 30% डिस्काउंट भी मिलेगा। फ्रेंड्स मुझे अभी इन आउटफिट्स में फोटोज भी क्लिक करनी है, बीच बीच में मैं टाइम निकालती हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है रमजान में। फ्रेंड्स तो अभी इफ्तार में ना 2 घंटे बचे और अभी हम किचन में आ गए हैं और आज हम बनाएंगे चिकन रोल। मतलब खतरों के खिलाड़ी नाम होना चाहिए मेरा, बनाना आता नहीं है कुछ लेकिन हिम्मत नहीं हारना है, तो आज सोचा चिकन रोल बनाते हैं। कैसा बनेगा आपके साथ आपको पता तो चल ही जाएगा सबका रिव्यू देख के, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने अभी इसमें आटा ले लिया है, आटा 1.5 कटोरी लिया था और 1 कटोरी मैदा लिया। वैसे तो मैदा ही डालना चाहिए पूरा, लेकिन थोड़ा सा उसको हेल्दी कर दिया है। दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। और हमने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, अभी हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको अच्छे से गूंद के रख देंगे कुछ देर के लिए। तो फ्रेंड्स ये आटा गूंद गया है, इसे अभी हम रख देंगे ढक। तो फ्रेंड्स अम्मी भी आ गई अभी किचन में और वो चिकन के लाइट आ रही है, अम्मी भी आ गई किचन में और वो चिकन के मैरिनेशन में मेरी हेल्प करेंगी। तो ये चिकन है अम्मी, अब आप इसमें दही डाल दो और जो मैं आपको बताती जाती हूँ वो डाल दो। और क्या डाल सकते हैं? नमक कभी नहीं देता, ऐसे सिंपल वाले बना रहे, उसमें कुछ नहीं है। चिकन का मैरिनेशन हो गया, इसे साइड में रख दिया है। 2 प्याज हमने चिकन के हिसाब से ली है, हम इसे कट करके और इसे पीस लेंगे। तो अभी हमने बनाना स्टार्ट कर दिया और पीछे रिजा मैडम को देखो कितने स्टाइल में दुपट्टा डाल रही है। आप लोग देख रहे हो हम लोग थोड़ा चुप चुप हैं, क्योंकि अम्मी मुझसे गुस्सा हो गई थी, मैं भी गुस्सा हो गई थी, क्योंकि मैंने कहा मेरी हेल्प कर दो, अम्मी कहती मैंने कभी बनाया ही नहीं है, तो बस इसी बात पर चुप चुप थे। फ्रेंड्स
अभी प्याज जो है ना वो भून रही है और अम्मी जो है वो जो मिंट की चटनी है उसकी तैयारी कर रही है। अम्मी बोल रही मुझे काम लगा दिया, चटनी मुझे नहीं आती बनानी, चटनी अम्मी अच्छी बनाती है। इसमें क्या डलेगा, धनिया भी डलेगी? बताओ क्यों बताओ ना, अब मुझे नहीं पता, एक बार ये सिखा देख लो ना। अम्मी कह रही है कि उन्हें पता नहीं है कि मिंट चटनी में धनिया डलती है कि नहीं डलती है, क्या करें अम्मी, नहीं डालते ना? डाल दो, धनिया अच्छी होती है ना, थोड़ी सी डाल दो, थोड़ी दे दो, थोड़ी सी धनिया दे दो, चटनी तेज करना है। हाँ एकदम तीखी तीखी, हाँ। स्पाइसी। कोई दो खाए तो एक ही नहीं खाए, अम्मी कह रही है इतना तीखा कर दो, कोई दो खाए कि एक ही खाए। हाँ वही तो, नहीं तुम ऐसा चाहती हो या मैं ऐसा चाहती हूँ? तुम चाहती, हम नहीं चाहते अम्मी, कोई एक खाए तो उसको मतलब मजा आ जाए, उसका मन अंदर से तबीयत पूरी साफ हो जाए। देखो पहली बार बना रही हो, साथ में बना रही हो तुम बना हाँ, रही हो हाँ, मैं नहीं बना रही, नहीं आप बना रही हो। थोड़ा 19-20 तो होंगे, दोबारा में सीख जाएंगे। वही तो हम आपसे कह रहे हैं, आप फालतू में स्ट्रेस ले रही हो, हम नहीं तुम ले, लड़ाई कर रही हो, डरा रही हो। रजा कहाँ चला, चिपक गया ये तो, और डरा रही है। और थोड़ा सा डाल दिया है इसमें लेमन, थोड़ी अम्मी अभी गाढ़ी है, पानी डालना पड़ेगा। अदरक लहसुन डाला अम्मी चटनी में? हाँ ना डाल, अभी नहीं डाला, नहीं फिर कैसे बनेगी, डालो तो कैसे बनती चटनी। अदरक लहसुन कहाँ डालते चटनी, चटनी में अदरक डालता नहीं है, नहीं नहीं लहसुन, लहसुन डाल दिया ठीक है फिर, अदरक डाले नहीं, रहने दो, लहसुन ही डालता है बस। हाँ वही तो, तभी नया नया काम तो बता रही है अम्मी, नया नया सीख रहे तो नया नया काम बताएंगे, आप हमें सिखाओ ना। नहीं हमने अदरक नहीं डाला कभी, अच्छा मतलब हमारे लहसुन डालते हैं बहुत सारा। हाँ ठीक है, इसमें अम्मी को रोजा लग रहा है, लग रहा है अम्मी अब चटनी में गर्म कौन डालता है क्यों अम्मी, दिमाग भी काम कर रहा है, रोजा ज्यादा लग रहा है मेरी वजह से, क्यों अम्मी मैंने आपको क्या बिगाड़ा, आज आप मुझसे बिल्कुल इतना गुस्से में क्यों हो? अब पता नहीं अब क्यों गुस्सा आ रहा है बस मुझे, आज मैंने आपको किचन में बुला लिया, अम्मी कितना डालोगे बस, आज मैंने आपको किचन में बुला लिया ना इसलिए। नहीं किचन में तो आने में हमें अच्छा लगता है। अच्छा हाँ ऐसी बात नहीं है, तो फिर है? तो फिर क्यों गुस्सा हो रहे, अब जो हम बता रहे हैं देखो कि हमने पहली बार रोल बनाया, अम्मी हम आपको क्या कह रहे हैं, रोल भूल जाओ, चटनी तो आपने बनाई है तो चटनी हाँ। जैसे बनती है वैसे चटनी बनाओ। अब चटनी में जैसे पापा तुम्हारे पुदीने डलवाते हाँ। हम हरा धनिया मिर्ची लाल खड़ी सब मिला के हाँ। जीरा सब पीसते हैं अच्छे हाँ। से, पापा उन्हें डलवाते, अब हमें पता नहीं कि बिगड़ जाए पहली बार में तो कौन सा अम्मी यहाँ इनाम मिलने वाला है। इनाम की बात नहीं, हमें कोई एबीसीडी नहीं पता इसमें, एक बार देख लेंगे तो कितने अच्छे बना देंगे, तुम कभी नहीं हम भी ऐसे ही कर रहे हैं हाँ। सिखाती अम्मी को, छोड़ो अम्मी सही बना दो प्लीज, नमक डाल रही हो बताना अम्मी, अब मैं नमक आपको कैसे बताऊँ, आप जिंदगी भर से बनाती हो आपको अंदाजा होगा ना, जैसे मिल बांट के खाते है वैसे मिल बांट के काम बनाते, इतने छोटे पीस हो जाएंगे अच्छा। नहीं तो वो बड़े बड़े पीस एक कभी खाए तो भन भना जाए बस बस बस। और फ्रेंड्स अभी उसमें डाल दिया है थोड़ा सा दही, फ्रेंड्स थोड़ी देर इसे धीमी आंच में पकने के लिए रख देंगे, अभी हम ये तीन जो प्याज है ना इन्हें काट के रख लेंगे। हमारे यहाँ के पता नहीं दो दिन में चाकू चलना क्यों बंद हो जाता है। तो फ्रेंड्स हमने ना जो हम अपने रोल के बीच जो प्याज डालेंगे ना उसको इस तरह से ऐसे रख दिया है कट करके, उसमें नमक और थोड़ा सा नींबू डाल के पानी में करके रख दिया है, और अभी हम मेयोनीज बना रहे हैं। मेयोनीज का जो वीडियो है अगर आप मुझे पिछले साल से फॉलो करते हैं तो आप लोग देख ही चुके होंगे, तो आप देख ही लीजिएगा, अभी हम लोग वेज वाली मेयोनीज बना रहे हैं, और कोई मेयोनीज नहीं खाता है, मेयोनीज नहीं खाता है, मेयोनीज इज अ सिंगुलर है प्लूरल, एक ही है जो भी है, मेयोनीज कोई नहीं खाता है, अम्मी नहीं खाती, रेहान नहीं खाता, बस मैं और रिजा खाते हैं। और बस यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा ये चिकन भी भून के रेडी हो गया, अभी हम इसे बंद करके ढक के रख देंगे। ये हल्का सा मेयोनीज टेस्ट करके बस, मैं नमक है नहीं मीठा है नहीं। बहुत नमक है, बहुत अजीब है।
रेडी है, चटनी रेडी है, ये प्याज नींबू रेडी है और ये मेयोनीज रेडी है और हमारा आटा भी रेडी है। लेकिन रोल ना अभी इफ्तार के बाद बनाएंगे, इफ्तार में कोई नहीं खाएगा, बहुत हैवी हो जाता है। नो कटर, नो बाबू, नो 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 नो, जो कटर बार बार अंदर आने के लिए कर रहा है। हम ये कह रहे थे कि इफ्तार में बहुत हैवी हो जाता है तो कोई नहीं खाता रोल, पर वो ठंडे हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है, तो इफ्तार के बाद खाएंगे। और अभी हमने फ्रूट्स काट रही है और भाई अभी भी आएंगे थोड़ी देर से ऊपर से। नमाज हो गई है और अभी हम लोग पी रहे हैं अपनी चाय। मैं अपनी नॉर्मल अदरक और मसाले वाली चाय पी रही हूँ और अम्मी की चाय में क्या मिला हुआ है? कड़ी पत्ता मसाला, सारे मसाले, कड़ी पत्ता। अम्मी अभी अपने चाय मसाले की रेसिपी भी आपको बता देंगी, वो इतना सा डालेंगे ना तो बहुत अच्छी चाय में खुशबू आ जाती है, पूरा घर महकेगा। हाँ अम्मी को ज्यादा नहीं हो गया, पूरा घर महकता वो दाल चीनी, पापा बताओ दाल चीनी जैसे हम चाय बनाई। सोएब आता है, इसका भाई बोले क्या बन रहा है, भाई सबको पता नहीं है कौन है शोएब। इसका भाई आता है बोले भाभी आएगी, अम्मी चाय बन रही है आपकी दालचीनी वाली, लौंग इलायची वाली सब। हाँ। बताऊंगी तो अगर आप पियो तो कड़वी चाय। हाँ थोड़ी कड़वी होती है लेकिन हेल्थ के लिए भी अच्छी रहती है। और अब हम लोग को आदत हो गई है दूध, अगर दूध का टेस्ट आता है ना तो बहुत अजीब सा लगता है, तो ऐसे ही अच्छी लगती है। लेकिन पापा कह रहे थोड़ा ज्यादा हो गया। हाँ, और बताओ ज्यादा हो गया? नहीं ज्यादा नहीं, बिल्कुल सही बता रहे। अगर वो चाय पीना सीख जाएंगे तो शुगर उगर सब दूर रहेगा। अम्मी पापा फिर देखो ज्यादा हो गया ना? नहीं ज्यादा, बिल्कुल ज्यादा नहीं, कहीं शुगर सही हो जाएगी पापा? नहीं आप कहीं भी लौंग वो तेज पत्ता काली मिर्च अजवाइन सब डाल के पूरा हम पीसते हैं, बस बड़ी इलायची छोड़ के सब चीज डालते हैं सब, तो फिर कोई कौन नहीं पिएगा बताओ वो चाय। और अभी हम अपनी कड़ी पत्ता की चाय पे मसाला, और अभी हम कड़ी पत्ता की चाय पी रहे हैं, कड़ी पत्ता और मसाला अपना। हम पाव और मसाला पूरा डब्बे में रख लेते हैं, आधा दीपिका ले लेती है। हाँ भाभी उनको भी अच्छा लगता है, वो भी पीने लगी, पहले भी पी रही थी। उन्हें भी अच्छा लगने लगा, देखो रजा क्या खा रही। बची हुई इफ्तारी। और तुम? मैं मैच देख रहा हूँ। चखो वैसे आप ही ने डाला है तभी तो सही है। सही नहीं, नहीं बस 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 इकट्ठा ही खाएंगे। देखो सही बोलना, झूठ नहीं बोलना, बताओ। अच्छा पूरा सही है ना? बस अम्मी बिल्कुल, जितनी देर मसाला बनाया मुझे डांटती रही, तुम्हें आता नहीं, ये नहीं आता, वो नहीं आता, मैं अम्मी को सिखा रही है, बताओ। बहुत अच्छा बना। हाँ थोड़ा सा तीखा है लेकिन मजेदार, इतना से भी फर्क नहीं है कोई मसाले का। अच्छा जो कि मैंने कहीं बनाया नहीं, अब कह रही हूँ इनको देखो जरा। चलो ये चेक के बताओ क्या ये नहीं चखा, नहीं हमने ये नहीं चखा, ये थोड़ी सी मुझे बिल्कुल अंदाजा। तुम जागो, तुम्हें ज्यादा आईडिया है, जाग के इसलिए कहती हूँ ना मैं कि आप थोड़ा सो लिया करो। सो नींद नहीं आती ना, काम कितना। अब फोन में देखते देखते क्या देख रही थी? खाने का वीडियो है, बताता कोई फूड ब्लॉगर है जो पूरा खाने का रिव्यू करते है, उन्हीं का बैठ के देख रही थी, रोज देखती रहती है। बता रही कि देखते देखते सो गई। हाँ अभी हम फैन, हमने सोचा रिकॉर्ड कर ले, फैन बंद किया तो आप जाग गए। अब यहाँ आपने सबसे कितना क्या क्या रखा था, आप अपने सूट दिखाओगी, दुपट्टे दिखाओगी, ईद आने वाली है, किसी को तो कुछ बताओ, कोई कैसा सूट बना है, चमक का बना है, सिंपल बना है, कुछ तो बताओ। ईद के जोड़ा तो आए, तो ऐसे अपने बताओ ना जो आपके ऐसे पहले के ईद के रखे हैं, दिखा दूंगी है ना, जो अम्मी ईद के बकरे ईद के दिखाओ। अच्छा अभी तो अम्मी देखो सबका लॉकडाउन है, सब घर पे है तो सब देखेंगे, आपका भी कोई काम नहीं है, हमें भी बाहर नहीं जाना है, तो क्या बिचारियों को दिखाएं हम, फिर कहाँ से लाएंगे बंदे? तो किसी का आइडिया रहेगा, किसी के पास कुछ रखा होगा तो वो वैसा मिला के पहन लेगा, जैसे किसी को किसी ने दुपट्टा निकाल लिया, किसी का कुछ कर लिया, उस तरह से लोग पहन सब अलग अलग जगह रखे, बहुत टाइम लगेगा, पूरा एक दिन चाहिए निकालने में, फिर सब जमा के दिखाएंगे, एक दिन टाइम निकाल दिखा देंगे, दिखा देंगे। उसको बटर पेपर में कैसे रैप करना ये रिजा मुझे बताएगी, तुम्हें आता है? हाँ थोड़ा थोड़ा देखा था मैंने। ठीक है
अंदर चला गया चिकन, ये कैसे खाना पड़ रहा है रोल? ऐसे क्या कमी है? कुछ भी कमी नहीं। अरे अम्मी सही बताओ, कुछ भी कमी नहीं। रेहान तुम बताओ, बताओ खाने बताओ रेहान। बिल्कुल सही। पक्का? पक्का बिल्कुल सही है। तुम लोग दिल रख रहे हो मेरा? कोई दिल नहीं रखता। क्या कोई दिल रखेगा? जब खाने का स्वाद नहीं आएगा तो कोई इसमें चीज में कोई बड़ा दिल रखेगा? बिल्कुल अच्छा है। अच्छा है? हाँ बिल्कुल अच्छा है। और बाहर के जैसे कभी कभी बाहर की भी खा लेते हैं, लेकिन घर की बात ही अलग है ना। हाँ। खाने तो हमें तुम भी तो खाओ। हाँ मैं खाऊंगी फ्रेंड्स, अभी मैं ट्राई कर रही हूँ। ठीक है ना? नमक ज्यादा है किसी चीज में? नहीं। सही है? क्या खा सकते हैं, बना सकते हैं, आप भी ट्राई करो और बनाओ और टैग करो। मतलब हेल्दी सा है, कुछ ऐसा नहीं है, नुकसान नहीं करेगा इतना। पापा खाओगे? नहीं, पापा का एकदम स्ट्रिक्ट रूटीन है, उन्होंने एक बार कुछ खा लिया तो खा लिया। अगर एक बार पापा कुछ खा लेते हैं ना तो उसके बाद पापा अपने आप की भी नहीं सुनते। क्या करके जाइ हो? चिकन नहीं मैं खाती, इसलिए इस पे मसाला है, तो इसलिए इसके साथ। फ्रेंड्स आज मैंने इनकी कुछ पोटलियों में से आज एक पोटली खुलवाई ली है। कपड़े दिखा दो सबको, सबका थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होगा और हम भी देख लेंगे। अम्मी ने, हम तो भूल भी गए कि अम्मी ये कौन से कपड़े कब कहाँ रखे रहते हैं, खुल नहीं रही है ऐसे कैची ला रही जा। क्यों, कोई आपको सोना चांदी जो ले जाएगा? अरे रख देते हैं कहीं, अब क्या। मम्मी ने आज बहुत बड़ा दिल करके अपने सारे कपड़े इतने मेरी जिद करने पर निकाल दिए हैं। दिखाओगी कहाँ से? ऐसे दिखाओ बस, तुम खड़े हो पहले आप दिखाओ तो कौन सा दिखा रही हो। तो फ्रेंड्स अम्मी के लिए थोड़े हैवी वाले कपड़े हैं, जो पहले की ईद के, उससे भी पहले की ईद के, तो वो आपको दिखाते हैं हम लोग, क्योंकि अभी की ईद के तो कोई कपड़े नहीं बने, बनेंगे या नहीं बनेंगे कुछ नहीं पता है, तो पिछले दिखाते हैं। अम्मी का दुपट्टा है और इसका पूरा ड्रेस भैया क्या है, अंदर का वन पीस ड्रेस। हाँ तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें नीचे इस तरह से घेर आएगा और ऊपर ये कुर्ता, और वो दुपट्टा दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये देखो। हाँ ये देखो, ये दुपट्टा है ऐसे ऐसे ये। हाँ। तो मम्मी का एक ये जोड़ा है। चलो ये किसने दिलाया था? तुमने, बर्थडे में दिलाया था। हर दुपट्टे पे फ्रेंड्स इस तरह की लेस दिखेगी, मतलब कोई दुपट्टे पे कुछ ना कुछ अम्मी के रहता ही है। चलो जल्दी जल्दी दिखाओ अम्मी, बेचना नहीं है दुपट्टा। हाँ। कौन तुम, कौन खरीदेगा? खरीद लेंगे हम कोई दुबला इतना मोटा कोई है? अम्मी ये बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, ये पूरी चिकनकारी की अनारकली है, और देखिए इस पे एकदम गोटा वोटा लगा के अम्मी ने एकदम टिप टॉप करके पहनती है। और अच्छा ये भी तो बता दो, ये दुपट्टा किसका है? ये दुपट्टा सभा का है, ईद का था। हाँ। लगा था तो हमने इसका ले लिया था, तो हमने फिर उसमें ये वाली बनवाई थी। बहुत अच्छी है, देखिए दूर से फ्रेंड्स, जो मेरे ईद के कपड़े होते हैं ना, वो मैं एक बार या दो बार ही पहनती हूँ, क्योंकि वो बहुत हैवी होते हैं, फिर काम नहीं आते। तो मैंने वो जो सूट था वो नाजा खाना को दे दिया और दुपट्टा अम्मी को दे दिया, और अम्मी ने इतनी अच्छी सी ड्रेस बना के उसे रख लिया। चलो हम दिखा तो ना, लेकिन तुम सब जमा के रखना। हाँ ठीक है, पूरा एक दिन लगेगा हमें पूरे। तो पूरे दिखा देती फिर आप? नहीं पूरे दिखाने में तो पूरे शहरी का टाइम आ जाएगा। अच्छा की अम्मी ईद की पिछले, पहले YouTube तो था नहीं, लेकिन जो Instagram पे फॉलो करते हैं उन्होंने जरूर देखा होगा। वाह दुपट्टा भी फ्रेंड्स इसका बहुत अच्छा, और आप ये देखिए। हाँ फ्रेंड्स देखिए, कुर्ते की ही पट्टी है और फिर उसपे ये लेस लगी है, और फिर गोटे की पीछे वो भी दी हुई है। ये दुपट्टा जॉर्जेट का है, इसमें काम है। हाँ लखनवी काम है इसमें, लेकिन जॉर्जेट का है। और ये भी देखिए इसी तरह चिकनकारी की है, और इसमें दुपट्टे की लेस लगी हुई है, और इसमें दुपट्टे में कुर्ते की, ये भी अनार का लिए तो गई थी लेने। हाँ तो हम और भाभी मिलके लाते हैं अम्मी के कपड़े। फ्रेंड्स जब मैं और भाभी कपड़े लेने जाते हैं ना, तो पहले नाजा खाला, बेटी खाला, अम्मा सब लोग यहीं पे ईद पे होती थी। अभी एक दो साल से ये कोरोना की वजह से नहीं आ पा रही है, तो हम लोग सबके कपड़े ले लेते हैं, इजीली ले लेते हैं, आसानी से सब कुछ हो जाता है। लेकिन जब अम्मी के कपड़े की बारी आती है तो हम दोनों के दिमाग काम करना बंद हो जाते हैं। वो मेरे चेहरे की तरफ देखती है, मैं उनके चेहरे की तरफ देखती हूँ, और देखो अम्मी अभी पीछे चालू है, अपने कपड़े देख के कितनी खुश हुई जा रही है। ये कब की अम्मी? बताते हैं ना, खोलने तो दो। ये बहुत अच्छी लग रही है अम्मी, जब आप इसे नहीं पहनोगी तो मैं इसे अपने नाप का करा लूंगी।
दे दोगी? दे देंगे। अभी कपड़ों में दिमाग है इसलिए कुछ नहीं बोल रही है। अब देखो दिखा रहे, अब जो बेचारे देखेंगे वो तो उनको अच्छे से दिखाएं तो। हाँ, दिखा। ऐसे बिगाड़ टाले काम करते, दिल से कहते जो बेचारे उनको देखने में अच्छा लगे, वो लोग भी तट देखेंगे बेचारी टाइम निकाल के। हाँ, उनको अच्छे से दिखाएं। सही बात है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये गोटा वर्क किया हुआ है इसमें, गोटा पत्ती। देखो अम्मी को नाम भी पता है, क्या है अम्मी? गोटा पत्ती। गोटा पत्ती का वर्क किया हुआ है और ये कलर जो है वो वाइन कलर है और इसे बहुत अच्छी लगती है। मतलब इतनी सिंपल सी होती है लेकिन बहुत अच्छा सा लुक दे देती है। पे और स्लीव्स के एंड पे दुपट्टा ही देखिए, मैंने आपसे कहा था ना सबके दुपट्टे पे ये होगी, क्योंकि अगर ये दुपट्टा प्लेन होता ना तो वो बात नहीं आती। लग रही है ना एकदम दुल्हन माशाल्लाह ना। अभी रखेगा कौन? आप। अब क्या निकलेगा खजाने से? खजाने में आपने बताया नहीं वो कब की ड्रेस है? भाभी की पहली सालगिरह हुई थी, एनिवर्सरी भाभी की। हाँ, शादी की। हाँ, भाई भाभी की। हाँ, जब अलीबाग गए थे, अलीबाग तो दीपिका ने बनवा के दी थी। हाँ। अम्मी ये भी कलर बहुत अच्छा है। इसका दुपट्टा कहाँ है? हम कितने बार ले चुके हैं इसका दुपट्टा आपसे। देखिए फ्रेंड्स ये कितनी प्यारी लग रही है, इतना अच्छा वाला येलो है। वाओ अम्मी, अब ये कौन सा कपड़ा है? ये कोई टिश्यू में काम है। ऑर्गेंजा। हाँ, टिश्यू में काम है, टिश्यू में गोटे का काम है। हाँ, टिश्यू में लग लगाई है और ये नीचे गोटे की लेस लगाई है और ये सारी जितनी सब अनारकली है। हाँ, सब अनारकली है, भारी है। कितनी अच्छी लग रही हो माशाल्लाह। फोटो ले लें क्या? रुको, ऐसे ही रुको। अब क्या दिखा है? दूसरा दिखाओ को। ये तो दिखाओ, ये कितना प्यारा रखा है। ये क्या है? ये एकदम मतलब बहुत सिंपल सा स्वीट सा कपड़ा है, स्वीट सा मजो है। कुर्ता ऊपर करो, मेरा फेवरेट है कसम से, मुझे ऐसे कपड़े बहुत पसंद है। ऐसे में गरारा शरारा लहंगा चोली जो पहनवा लो। दुपट्टा जोर से थोड़ा उससे दिखाओ, कोई खरीदेगा ही नहीं। कौन? कोई खरीदने वाला? अभी दुकान लगा, बोली लगाना है ना, सब बिक जाए। दुकान लगा, बोली लगाएंगे। कितने का बेचोगी? हाँ, कौन सा पीला वाला? सही रेट लगाना। 1000 रूपए तो मीटर, 1500 रूपए तो मीटर है वो कपड़ा। तो अब आप सेकंड हैंड में कितने का जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं देंगे, मीटर के हिसाब से जोड़ो। हाँ, तो कम से कम देंगे हम 10000 की ड्रेस। अम्मी को ज्यादा हो गया? ज्यादा नहीं है। क्यों, कितने? 5 मीटर कपड़ा लगा। हाँ, अस्तर सिलाई लेस गोटा पत्ती दुनियादारी सब लगी। चलो 5 तक, 5 तक सही है। नहीं नहीं, थोड़े बहुत कम कर सकते हैं भैया, 8 से तो नीचे नहीं जाएंगे। चलो चलो, कोई नहीं, खरीद रहा तो लेना। हाँ, तो मत खरीद। दूसरी दुकान देखिए। तुम तो बड़ी खड़ूस दुकान वाली हो। नहीं, दुकान बंद करने का टाइम आ जाएगा, लॉकडाउन चल रहा है। या अच्छा, ये भी कलर कॉम्बिनेशन है आपके पास? हाँ, अब जब दुकान बेचेंगे तो सब कलर लाएंगे ना। सब कलर लाएंगे, जो जिसमें ग्राहक दुकान में आए, कलर नहीं लाएंगे तो हमें डांट के चले जाएंगे। हाँ, सही बात है, आपके पास कुछ नहीं है। पैसा देंगे तो डिजाइन भी तो अच्छी दिखाएंगे ना। मिलना चाहिए। ओ, ये कब का अम्मी? अब जब होंगे, जब के हमारे हैं ये दिखा रहे हैं। अरे अब दुकानदार के रूप से बाहर आओ, बताओ। अभी रमजानों से पहले मंगवाया नया माल। चलो अब सीरियस वाला बताओ, ये कब का? अम्मी अभी उल्टा क्यों कर रही हो? प्लाजो ऊपर पहन रही हो, कुर्ता नीचे क्यों? रजा वही तो तनख्वाह लेती हूँ, सही से दिखाओ। 4000 रूपए महीना तनख्वाह लेती है, अच्छे से दिखाओ। तनख्वाह बड़ी कम देती हो, कमाती तो बहुत हो। अरे ये घर बैठे तो बहुत है, कमा रही है। ये किसका था बताओ? ये तुम्हारा था, लेकिन तुमने हमें बदले के पैसे लिए थे। अच्छा। हाँ, जब दिया था। कहते हैं भोपाल में कंचोई। हाँ, वो तुर्की सूट। हाँ, वहाँ बोलते हैं। हाँ, मतलब नीचे चूड़दार पैजामा, छोटी कंचोई का, छोटी बूटी का। हाँ, और बड़े फूल का, जैसे ये है। हाँ, उसकी फराग यहाँ पे चुन, यहाँ पे चुन। हाँ, ऐसे बनाते हैं। और दुपट्टा बहुत चौड़ा गोटा। हाँ, लगता है वो, बहुत रुद्रंग का जोड़ा। अम्मी वो मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी, मैं बनवाऊंगी, लेकिन मैं बनवा नहीं पाई। इस बार इतनी यही बनवा लो क्या? बनवा लो पहले, तुम भी वही बनवा लो। पहले वही चलता था, अभी फैशन में फराग वन पीस हो गई। पहले वो तुर्की बोलते हैं, भोपाली सूट, भोपाली सूट तुर्की कुर्ता बोलते हैं। अच्छा, भोपाली होगी समझ जाएंगे। हाँ, भोपाल वालों को हाय कह। अरे भोपाल में तो मेरी जान है, 25 साल रही, सबको प्यार, बहुत सब प्यार भोपाल वालों को, कभी नहीं भूल पाऊंगी। चलो भोपाल के कुछ कुछ जगह के नाम बता दो सबको, सब आपको देखते तो बोलने तो। हाँ, सब यार, न्यू मार्केट। हाँ, नदीम रोड। हाँ, अरेरा कॉलोनी। हाँ, दशहरा मैदान। हाँ, और काजी किंग। हाँ, सजाना बाग। हाँ, बिल्कुल सब आगे हम रहते थे। हाँ,
छोला नाका काजी के ब्याजी बंगला सब मुझे और जहांगीराबाद हाँ और बहुत पीर गेट हाँ पीर गेट चौक चौक वीआईपी रोड बड़ा तालाब और क्या बचा छोटा ताला चूना भट्टी हाँ चूना भट्टी और बेचियल हाँ, सब मुझे सब याद है और कुछ भूल गए तो पता नहीं हाँ, इतने सारा है वहाँ पे हाँ हर चीज वहाँ की पूरी गलियाँ हर चीज मुझे याद है जिंसी चौरा हाँ जिंसी चौरा सब याद है मुझे हाँ रायसेन जाते थे दरगाह डीबी मॉल हाँ डीबी मॉल मॉल सब जगह जाते थे और बोट क्लब बोट क्लब तो हर हफ्ते में जाते थे बर्थडे वहीं होते थे याद आ गई बोट क्लब की बोट क्लब अच्छा था ये देखिए ये वेलवेट का नीचे प्लाजो है प्रिंटेड और ये कुर्ता हाँ ये दुपट्टा वाह बहुत अच्छा अम्मी कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है ये दुपट्टा हाँ चप्पटी लगी दुपट्टों में वही अम्मी इतना प्यारा लग रहा है ये कलर कॉम्बिनेशन कि अम्मी के पास सब कुछ है हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी रहती कैसे हैं हाँ बस सादगी से रहती हाँ। है ऐसे कोई भूल जाते कपड़े है कि नहीं है जो पहने वही चले गए जो आ गए वही सब ऐसे अब तुम एक बात सुनो अगर तुम्हें लेना है कुछ खरीदना तो सही मोल लगाओ नहीं चलो उठो मुझे बर्बाद कर दो मुझे ये वाला चाहिए सूट ये वाला चलो दोस्त चलो पढ़ लो अम्मी पुराने दाम यही चलो, होता चलो, चलो, चलो पढ़ लो नहीं मिलेगा दे दो ना कहाँ से आई हो कटवा के भी तो दो अम्मी देखो 200 रुपए इसलिए दे रही हूँ कि आप जब टेलर आ जाए तो उसको देना उससे ऑल्ट्रेशन का चार्ज दे रही हूँ आपको 200 मेरे नाप का करा के मुझे दे देना कम मेरा 2000 में तो ये सूट ही बना होगा हाँ तो तुम 200 रुपए अरे आपकी बेटी हूँ दे दे बेट वो तो बटन दिखा दो क्या है ये खरीदारी में बेटी एटी कुछ नहीं कहा की बेटी की कस्टमर बन ग्राहक लेने आई अम्मी आपकी दुकान हो जाए तो आप हम लोग को भी सामान नहीं दो तो बेटी नहीं हो खरीदने आई हो लॉकडाउन चल रहा है बंद है पुलिस तो रात में चुपके से आई है अम्मी बात कर दी नहीं दिन में आई तो पुलिस डंडे मारते सही बात तो रात में आई हूँ चुप्पे से लेने के लिए से ईद हाँ। के लिए दे कपड़े खरीद पैसे दे रही मिट्टी के भाव बताओ तुम ये दुपट्टा पता है कब का है जब सानू दीपिका की शादी हुई थी मौदहा में हाँ। तो मौदहा में शादी हुई थी हाँ। वो कपड़े हम कभी फुर्सत से दिखाएंगे दीवान में रखे हैं हाँ। शादी वाले हाँ। हल्दी के मेहंदी के तो ये दुपट्टा जो यहाँ वलीमा हुआ था हाँ। आप लोगों को पता होगा जो जो लोग गए हाँ। होंगे तो यहाँ वलीमा जू बीच में हुआ था तो उसका दुपट्टा इसकी इसका वन पीस बहुत अच्छा है बैगनी कलर का बहुत अच्छा तो ये दुपट्टा मेरा हो गया है अम्मी अब से ठीक है हाँ ठीक है हो गया। लेकिन फ्री में नहीं 200 रुपए मैंने बोला मैं 200 रुपए दे दूंगी बस बहुत अच्छा लग रहा है उसमें 500 की तो लैसी लगी है अच्छा चलो 200 नहीं देना तो 300 दे देना तो 300 क्या करोगी हम क्या पैसे 300 का पता है क्या करती है जब मैं उनसे कुछ चीज खरीदती हूँ और उन्हें पैसे वैसे दे देती हूँ तो ये उसमें पैसे मिला के फिर 500-600 का सूट खरीद लेती है अभी तो मार्केट बंद है तो ये मजबूर है अभी इतना सब ये दिखा दिया हाँ। अब कुछ नहीं खरीदा अभी इसने हाँ। अभी पता नहीं अगले बार बताएं इसने क्या खरीदा हाँ। अब बाकी जो और भी मेरे कपड़े हैं हाँ। और भी ऐसी ये भोपाल के कपड़े हाँ। फिर हम उसको आपको बाद में अभी रखे भोपाल वाले और पूरे एक सूट केस अभी भरा है अच्छा बहुत सारा फिर बाद में दिखाएंगे इंशाल्लाह लेकिन वन पीस बनी अनारकली सारे दिखा दिए ठीक है अब वाले दूसरे प्लाजो कुर्ता फ्रेंड्स अगर आप में आपको इनमें से कौन सा अच्छा लगा आप जरूर बताइएगा और अगर आपको कोई कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगा तो आप भी ऐसा ट्राई कर सकते हैं और अम्मी को बताइएगा कि आपने कैसा बनाया सूट कैसा बनाया आप कैसा बनाने वाली हो ईद पे अभी तो कुछ पता है कपड़ा देख के फिर बताएंगे अभी तो कुछ पता भी नहीं है माहौल कैसा है लेते नहीं बनते हाँ। और वो ये भरा भी देखो ना ये मुझे दीपिका ने हाँ, आज भाभी ने ये दिया है ये अभी देखे गई ये देखिए लखनवी कुर्ता है ये देखिए पूरा गोटा लगा के जिस तरह से अम्मी को पसंद है और ये इसका प्लाजो है दिखाओ अम्मी आगे करो ये प्लाजो है और दुपट्टा देखिए कितना प्यारा है बहुत ही प्यारा अम्मी कॉम्बिनेशन है अम्मी ठीक है अभी के लिए अल्लाह हाफिज़ चलो हम आपको रखवा लेकिन इस सबको समझा दो कि सही रेट लगाना चलो ठीक है अल्लाह हाफिज़